Hello students, this is Dr. Anju Benival, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, Udaipur. हम MA Final के पेपर 9th B, Political Sociology, राजनीतिक समाजशास्त्र के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं. राजनीतिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस? कि राजनीतिक समाजशास्त्र का कौन कौन से अदर सोशल साइंसेस के साथ में किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह का रिलेशन देखने को मिलता है, किस प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्र अपने विषय वस्तु को अन्य सामाजिक विज्ञानों से लेता है और अन्य सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से राजनीतिक समाजशास्त्र पर निर्भर रहते हैं, तो इस निर्भरता का, इस संबंध का अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे. हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर निम्न सामाजिक विज्ञान है जिनके साथ इसके संबंध को स्पेसिफिकली स्टडी किया जाता है. पहला है राजनीतिक समाजशास्त्र और समाजशास्त्र. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का सोशियोलॉजी के साथ में रिलेशनशिप बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब हम बात करते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र की तो इसमें समाजशास्त्र वर्ड जो है वो अपने आप ही आ रहा है. तो राजनीतिक समाजशास्त्र का समाजशास्त्र के साथ में घनिष्ठ संबंध है और वो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, क्योंकि राजनीतिक वर्ड भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर है, इसलिए राजनीतिक समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ भी घनिष्ठ संबंध है और ये भी हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज हम जिन विषय पे बात करेंगे वो है राजनीतिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र. कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. यानी राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र, इतिहास और सामाजिक मनोविज्ञान के साथ क्या संबंध है उसको हम आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है. यहाँ पर राजनीतिक समाजशास्त्र को समाजशास्त्र के नज़दीक मानते हुए और अर्थशास्त्र से संबंधों की विवेचना प्रस्तुत की जाएगी. थॉमस के अनुसार वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की एक शाखा है. राजनीतिक समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच में जो संबंध है उसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र सामाजिक राजनीतिक क्रियाओं का आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक जीवन दोनों परिस्थितियों पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है. उदाहरण के लिए मांग का नियम, आयात निर्यात नीति सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है. जिस प्रकार की हमारी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उसी प्रकार की हमारी डिमांड होगी, उसी प्रकार की हमारी मांग होगी और उसी प्रकार की हमारी आयात और निर्यात की नीति होगी. मूल्य का निर्धारण भी सामाजिक मांग या सरकार द्वारा ही निर्धारित होता है. किसी भी वस्तु का मूल्य क्या होगा डिपेंड करता है सोसाइटी में उस वस्तु की डिमांड कितनी है, उसकी मांग कितनी है. तो दिस इज़ ऑल की आर्थिक जो पहलू हैं वो सामाजिक पहलू पर डिपेंड करते हैं, राजनीतिक पहलुओं पर डिपेंड करते हैं. सामाजिक राजनीतिक दशाएं और आर्थिक परिस्थितियां एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, हम उसे अलग नहीं कर सकते. हमारी सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. मैक्स वेबर ने सामाजिक कारकों यानी कि धार्मिक कारकों का आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया था. इसी तरह से ये भी सत्य है कि प्रभावकारी समूह अधिकतर वही होते हैं जिनके पास आर्थिक संबल ज़्यादा होता है. समाज में जो भी प्रभावशाली समूह होता है, डोमिनेंट ग्रुप होता है, जनरली वही डोमिनेंट ग्रुप होता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, जिसके पास खूब पैसा होता है. तो अर्थ जो है वो समाज के अंदर आपकी परिस्थिति को, आपके स्टेटस को भी डिफाइन करता है.
इसके साथ साथ समाज की जो समाज के अंदर जो स्टेटस है उसके साथ साथ आपके समाज के अंदर मान सम्मान को भी उसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। समाज और राज्य व्यवस्था में शांति, न्याय, नैतिकता, सद्भावना और धर्म का क्या रूप होगा, इसका निर्धारण भी आर्थिक दशा ही करती है। राजनीतिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों विज्ञान एक ही प्रकार की अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे श्रम कानून, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बेकारी, निर्धनता, ग्रामीण समस्याएं और उनका समाधान। ये सारे के सारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जिनका कि राजनीतिक समाजशास्त्र भी अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र भी अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों विकसित विज्ञान हैं और दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र में अंतर क्या होता है, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो सबसे पहला अंतर है, अर्थशास्त्र केवल मानव समाज के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। ये सिर्फ जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है, सिर्फ एक ही आस्पेक्ट की स्टडी करता है, दैट इज इकोनॉमिक आस्पेक्ट, कि समाज के अंदर मानव का जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है उसकी स्टडीज के अंदर की जाती है। राजनीतिक समाजशास्त्र में मानव के सामाजिक जीवन के अधिकांश पक्षों, जैसे कि राजनीतिक आज्ञा, सामाजिक आज्ञा, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि का अध्ययन करता है। यानी आर्थिक पक्ष भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है, लेकिन चूंकि अर्थशास्त्र में सिर्फ एक पहलू का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक समाजशास्त्र में एक से अधिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र केवल आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्थशास्त्र में सिर्फ आर्थिक पहलुओं का ही अध्ययन किया जाता है, और राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ यहाँ धार्मिक संबंध है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उनकी स्टडी की जाती है। इसके अंदर राजनीतिक और सामाजिक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सब प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और उन प्रक्रियाओं के अंदर आर्थिक संबंध भी आ जाते हैं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें सिर्फ आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसका जो एरिया है वो सीमित है। जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत और व्यापक है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन सारे विविध पक्षों का अध्ययन हम इसके अंदर कर रहे हैं। तो राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत और व्यापक है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सूक्ष्म और व्यापक के साथ आगमन व निगमन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र का जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। यानी आप नियम से स्टडी की तरफ जाएं, या फिर जो ऑब्जेक्ट जो आपका नियम थ्योरी से आप स्टडी की तरफ जाएं, या स्टडी से थ्योरी बिल्ड करें, दोनों ही चीज़ों का स्टडी जो है इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही सूक्ष्म और व्यापक रूप से की जाती है। जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र में निगमन और आगमन पद्धति का प्रयोग होता है। यहाँ पर इतनी सूक्ष्मता के साथ नहीं होता है, लेकिन दोनों मेथड्स का प्रयोग इसके अंदर होता है। अर्थशास्त्र के नियम अधिक स्थायी और सार्वभौमिक होते हैं। जो अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं, थ्योरीज होती हैं, वो अधिक स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं एंड यूनिवर्सल होती हैं, क्योंकि जो नियम बनाए जाएंगे वो स्टैटिस्टिकल बेस्ड होंगे, तो उसके अंदर चेंजेस होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो राजनीतिक समाजशास्त्र है उनके नियमों में परिवर्तन होता रहता है, और ये सब जगह समान नहीं होते। जो राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो सब जगह एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम जो हैं वो अधिकांशतः स्थायी और सार्वभौमिक होते हैं, जो सभी पर एक ही तरीके से लागू किए जा सकते हैं। अर्थशास्त्र के नियम जटिल होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशेषीकृत होते हैं कि ये पर्टिकुलर इस जगह के लिए है, ये नियम जो है यहाँ लगेगा। तो इस तरह से उसके नियम जो होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं और जटिल होते हैं और विशेषीकृत होते हैं, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र के नियम मूल और सामान्य होते हैं।
राजनीति के समाजशास्त्र के जो नियम होते हैं उनमें जनरल नियम होते हैं और उनमें परिवर्तन भी पॉसिबल होता है और उसी जगह के नियम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सब जगह उसको सार्वभौमिक रूप से लागू भी नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अंदर जहाँ समानताएं हैं उसके साथ साथ कुछ असमानताएं या भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास और राजनीतिक समाजशास्त्र की। तो राजनीतिक समाजशास्त्र का इतिहास से भी घनिष्ठ संबंध है। इतिहास भूतकालीन घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन है। एक सीरियली हम जब पास्ट की जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनका स्टडी करते हैं, वो इतिहास के अंदर करते हैं। अर्थात इतिहास बीते हुए समाज का अध्ययन है, जो बीत चुका है। इतिहास के अध्ययन में सामाजिक जीवन की पर्याप्त व्याख्या होती है, जैसे कि पूर्व रियासतें, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था, पूर्व का राम राज्य एवं कबीलों के सरदारों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। इस तरह की सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो इतिहास के अंदर किया जाता है, जो कि हमें अपने पूर्व के अंदर जो भी घटित घटनाएं हैं, जिस भी प्रकार के समाज रहे, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही, जिस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाएं रही, उन सब का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। टाइनबी तथा टेगार जैसे इतिहासकारों ने अब इस विचार का खंडन किया कि इतिहास केवल राजा महाराजाओं के जीवन की घटनाओं का संकलन नहीं है। टाइबी और टेगार जो थे महान इतिहासकार थे, और उनने कहा था कि इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजाओं के जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, इसके अतिरिक्त बहुत कुछ है। और इसी प्रकार राजनीतिक समाजशास्त्र को भी इतिहास प्रभावित करता है। एक राजनीतिक समाजशास्त्री इतिहास में वर्णित भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करके भविष्य की योजनाओं का निर्धारण निरूपण करते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर भविष्य को बताते हैं। इतिहासकार प्रत्येक युग के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, और राजनीतिक समाजशास्त्री इतिहास के अध्ययन के द्वारा उस युग के सामाजिक राजनीतिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। इतिहास में युद्ध और क्रांति का वर्णन किया जाता है, और राजनीतिक समाजशास्त्र में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे युद्ध और क्रांति को प्रोत्साहन मिलता है। यानी युद्ध और क्रांति का अध्ययन इतिहास में, और युद्ध और क्रांति क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या थे, उसका अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। युद्ध और क्रांति के सामाजिक राजनीतिक कारणों और परिणामों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र ही लगा सकता है। यद्यपि राजनीतिक समाजशास्त्र को इतिहास पर इतना अधिक निर्भर नहीं मान सकते, फिर भी इनमें घनिष्ठ संबंध को एकदम नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक समाजशास्त्र और इतिहास में इतनी घनिष्ठता के बावजूद भी कुछ मौलिक अंतर देखने को मिलता है, और वो अंतर इस प्रकार से है कि इतिहास ये केवल अतीत से संबंधित होता है, ये सिर्फ पास्ट के बारे में स्टडीज में की जाती है, और राजनीतिक समाजशास्त्र जो है वो समाज के वर्तमान एवं भविष्य के राजनीतिक सामाजिक पक्षों की विवेचना करता है। वर्तमान और भविष्य के जो राजनीतिक सामाजिक पक्ष हैं उनकी विवेचना इसमें की जाती है। यानी ये पास्ट से रिलेटेड होता है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होता है। ये असाधारण घटनाओं का अध्ययन करता है, ऐसी घटनाएं जो कि बहुत कुछ प्राचीन काल में घटित हुई, उन सब असाधारण घटनाओं का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक समाजशास्त्र जो है उसमें राजनीतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर राजनीतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति, राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक घटनाओं की पुनरावृत्ति है। जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति इसके अंदर की जाती है। इतिहास एक विशेष विज्ञान है, और राजनीतिक समाजशास्त्र एक नवोदित और विशिष्ट विज्ञान है, क्योंकि ये नया विज्ञान है राजनीतिक समाजशास्त्र, इसलिए ये नवोदित और विशिष्ट विज्ञान है, और इतिहास पुराना विज्ञान है, तो ये एक विशेष विज्ञान है। इतिहास अधिक प्राचीन विषय है और राजनीतिक समाजशास्त्र पुराना विषय नहीं है। अभी बताया मैंने ऊपर कि नवोदित विषय है, नया ही विषय है, इसलिए इतिहास पुराना है, राजनीतिक समाजशास्त्र नया है।
इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है और राजनीतिक समाजशास्त्र आधुनिक समाज का इतिहास है। आधुनिक समाज के अंदर जो भी स्टडी की जाएगी वो बाद में इतिहास बन जाएगी, तो राजनीतिक समाजशास्त्र आधुनिक समाज का इतिहास है और इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है। अतीत के अंदर जो कुछ भी समाज में घटा उसका अध्ययन इतिहास के अंदर किया जाता है। ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाएं वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करके हम लोग वर्तमान राजनीतिक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रियाएं जो हैं वो गतिमान होती हैं, क्योंकि राजनीतिक आधुनिकीकरण की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर उन्हीं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और इतिहास के अंदर राजनीतिक घटनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करता है, उसके बेस पे हम लोग स्टडीज़ जो है वो राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर कर सकते हैं। अब बात आती है सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक समाजशास्त्र की, कि राजनीतिक समाजशास्त्र का सामाजिक मनोविज्ञान के साथ में क्या संबंध है। तो सामाजिक मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, बेसिकली इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और राजनीतिक समाजशास्त्र, जैसा कि हमें मालूम है कि ये एक मनुष्य के राजनीतिक और सामाजिक जो जीवन है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, और मनोविज्ञान जो है वो मानव अनुभव पर व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जो भी मनुष्य एक्सपीरियंस करता है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो और उसका जो बिहेवियर है उसका एक साइंस है। जो भी उसके पूर्व अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर उसका व्यवहार होता है और उन्हीं का अध्ययन हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है और मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं और प्रेरणाओं का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो भी हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, टेंडेंसीज हैं, जो हमारी इच्छाएँ हैं, जो हमारी प्रेरणाएँ हैं, मोटिवेशंस हैं, उनका स्टडी जो है वो साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। और ये जो हम सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सोशल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक शाखा है, साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। और सामाजिक संबंधों के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान समाज विज्ञान तथा मनोविज्ञान के लिए उसी प्रकार है, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जीव रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र और रसायन शास्त्र के लिए है। तो आपस में सामाजिक मनोविज्ञान का राजनीतिक समाजशास्त्र के साथ में घनिष्ठ संबंध है। उस संबंध के पश्चात भी हम उसमें कुछ डिफरेंसेस, कुछ अंतर देखते हैं। तो जब हम अंतर की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान का दृष्टिकोण व्यक्तिक एवं मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति पर आधारित होता है और उसके मनोविज्ञान पर आधारित होता है, उसकी साइकोलॉजी पर बेस्ड होता है। और राजनीतिक समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक और राजनीतिक है, यानी राजनीतिक समाजशास्त्र के अंदर हम सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और मनोविज्ञान के अंदर हम व्यक्ति और उसकी मनोवैज्ञानिक दशाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब यहाँ व्यक्ति है और यहाँ समाज है। मनोविज्ञान में मानव मस्तिष्क और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक सामाजिक घटनाओं का एक दूसरे पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। इसमें सिर्फ मनुष्य, उसके मस्तिष्क और व्यवहारों का अध्ययन है, क्योंकि मानव विज्ञान है तो मानव का विज्ञान मानव के मस्तिष्क और व्यवहारों का अध्ययन करता है। और राजनीतिक समाजशास्त्र है तो हम कह सकते हैं इसमें राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, एक दूसरे पर उसका प्रभाव का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है, यहाँ पर इसका जो एरिया है वो सीमित होता है, और राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है, ये इसका क्षेत्र बड़ा होता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का एक दूसरे पर प्रभाव और राजनीतिक सामाजिक घटनाएं क्या होती हैं वो उसका स्टडी किया जाता है। तो उसका क्षेत्र जो है वो तुलनात्मक दृष्टि से सीमित होता है और उसका क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक होता है, इन कंपैरिजन टू सामाजिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य जो भी कार्य करता है
इसका कारण उस व्यक्ति की चेतना है। ये मानकर चलता है कि मनुष्य का कार्य उसकी चेतना पर निर्भर करता है कि मनुष्य क्या सोचता है। कॉन्शियस माइंड से जो कुछ भी करता है वो उसका कार्य कहलाता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक रूप से समूह में रहने की प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से करते हैं। जब हम राजनीतिक समाजशास्त्री मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो उसका अध्ययन जो होता है वो राजनीतिक रूप से उसकी जो समूह में रहने की जो प्रवृत्ति है उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसका व्यवहार जो है उसके समूह से प्रभावित होता है, और यहाँ माना जाता है कि मनुष्य जो है उसका कार्य उसकी चेतना से प्रभावित होता है। यहाँ पर समूह के अनुसार उसको समूह जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, समूह के अनुसार उसकी एक्टिविटीज़ जो होती है वो डिसाइड होती हैं। तो यहाँ समूह के आधार पर उस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में नियंत्रण हेतु मनुष्य स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अगर इसके अंदर ये माना जाता है कि मनोविज्ञान में अगर हम नियंत्रण की बात करें कि मनुष्य जो है वो उसका व्यवहार कैसे नियंत्रित होता है, तो ये माना जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र में समाज, कानून, सत्ता, ये सब जो है वो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यहाँ मान रहे हैं कि मनुष्य खुद अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है, और राजनीतिक समाजशास्त्र मानता है कि समाज, कार्य, कानून, सत्ता आदि जो है उसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। मनोविज्ञान व्यक्ति की अंतरात्मा से संबंधित विज्ञान है, उसकी जो अंतरात्मा उसकी सोल जो है उससे संबंधित है कि व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार करता है वो अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर करता है, तो और जो कुछ भी उसकी सोच है वो सब भी उसकी अंतरात्मा से प्रेरित होती है, तो अंतरात्मा से संबंधित विज्ञान है। जबकि राजनीतिक समाजशास्त्र में मानव समाज के बाहरी प्रदर्शन देखने को मिलता है, इसमें उसका आंतरिक प्रदर्शन होता है सामाजिक मनोविज्ञान के अंदर, और यहाँ बाहरी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलता है कि जब वो उसका व्यवहार अंदर से रेगुलेट होता है, लेकिन राजनीतिक समाजशास्त्र में उसके बाहरी प्रदर्शन की स्टडी की जाती है, आउटर साइड में उसका बिहेवियर समाज में किस प्रकार का है। तो आज हमने देखा कि राजनीतिक समाजशास्त्र का सामाजिक मनोविज्ञान के साथ, अर्थशास्त्र के साथ और इतिहास के साथ क्या संबंध है, और इसके साथ साथ उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उस सब की स्टडी हमने आज की।